हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेबी फ्रॉक बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यह कपड़ा लिया है। यह हम इसे 4 पार्ट में करेंगे। 4 पार्ट में हम 7 इंच का कपड़ा लेंगे। ये हो गया 8, इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे स्टेप से। यह 7 इधर का हम छोड़ देंगे। फ्रॉक की हमारी लंबाई रहेगी 14 इंच। 14 इंच लेने के लिए 3 इंच ऊपर के बेल्ट के रहेंगे, तो ये मैं यहाँ से छोड़ दूंगी इतना, और उसके बाद हम 14 इंच और प्लस 1 कर देंगे इसमें सिलाई का। यहाँ पे मैं एक मार्क लगा लूँगी 15 इंच पे और सीधी लाइन खींच दूंगी। गले का शेप देने के लिए यहाँ पे मैं 2 इंच पे एक मार्क करूंगी, और यह हिस्सा बेल्ट लगाने का रहेगा, तो ये मैं 3.5 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी। अब 3 इंच के बेल्ट रहेंगे, इसलिए आर्मों का हम यहाँ पे 6 इंच के यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। 3 इंच ऊपर का छूट जाएगा और 3 इंच नीचे का। इस तरह से यहाँ मार्क कर लूंगी और यहाँ से सिलाई खींच के एक बॉक्स बना लूंगी। यह स्टेप से बॉक्स बन जाएगा। चेस्ट का हमारा हिस्सा रहेगा 22 इंच का। 22 इंच में हम इसका 1/4 करेंगे तो 5.5 इंच आ जाएगा। 5.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी और प्लस आधा कर देंगे हम, तो 6 इंच पे यहाँ पे एक मार्क आ जाएगा। इसको हम सीधे स्केल से इस तरह लाइन से खींच लेंगे। हल्का सा राउंड शेप देके अब यहाँ पे भी आर्मों का मैं हल्का सा राउंड शेप दूंगी। यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं देना है। अब इसे मैं कट कर लूंगी। गले का ये जो निशान रहेगा ये यहाँ पे हम हल्का सा ऐसे दे देंगे। अब इसे मैं कट कर लूंगी। ये हमने कट कर लिया है। अब हम नीचे का पजामा काटेंगे। नीचे का पजामा काटने के लिए हम 8 इंच का 4 पार्ट कर लेंगे हम, और इसकी लंबाई रहेगी 14 इंच। 14 और नीचे के ओटने के हिस्से प्लस 2 कर देंगे, तो ये हमारा हिस्सा सिलाई में आ जाएगा। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। यह ओट के ओटने में आ जाएगा और ऊपर सिलाई में आ जाएगा। हिप हमारी है 7 इंच। 7 इंच पे प्लस 1 करने पर हम ये 8 इंच का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आसन लेंगे। आसन हमारा रहेगा 7 इंच का। ये 1.5 इंच के पर हम मार्क लगाएंगे और 7 इंच का हम आसन ले लेंगे। आसन में हम इस टाइप से गोलाई देंगे। यहाँ पे ज्यादा डीप में गोलाई नहीं देनी चाहिए। अब हमें फिल के लिए कपड़ा काटना है। फिल बनाने के लिए हमें एक ऊपर छोटी फिल लगेगी और एक नीचे। छोटी फिल के लिए हम 4 इंच का 4 इंच चौड़ाई का हम इतना बड़ा कपड़ा ले लेंगे, और इसकी फिल की लंबाई होगी हमारी पूरी 50 इंच, यानी लगभग हमारे 40-50 इंच के करीब फिल की लंबाई होगी। और दूसरी फिल हम बड़ी वाली जो फिल लेगी वो हम 5 इंच की काटेंगे। पीछे की फिल के लिए भी मैं कपड़ा कट कर लूँगी। तो इसमें से हम दोनों साइड में से पूरे पने का 2-2 फिल के कपड़े कट कर लेंगे, एक 4 इंच का और एक 5 इंच का। यह हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। हाँ, बेल्ट बनाने के लिए मैंने ये 2 इंच की चौड़ाई ली है और इसे यहाँ से ऐसे करके सिलाई लगाऊंगी मैं। और अब हम इसे पलट देंगे। ये हमारा बेल्ट बनके तैयार हो गया।
इसे हम टू पार्ट्स में कर लेंगे। ये आधा आधा इंच इधर से सिलाई में चला जाएगा। इसे बनाने के लिए हमें ये इसके एक कपड़े को एक्स्ट्रा में ऐसा रखेंगे, एक कपड़ा ऐसा रखेंगे और हम इस टाइप से इस कपड़े को रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। मैं बताती हूँ, जो हमने बेल्ट लिए थे उसे हम नीचे के हिस्से में यहाँ हटा के ये इस टाइप से सिलाई अंदर की सेट हो जाएगी। यहाँ से हम इसे और ये हमारा गले का शेप रहेगा। यहाँ ये हल्का सा जो दिख रहा है ये गले का शेप रहेगा। थोड़ा सा गोल घुमा के हल्का सा राउंड देना है। यहाँ पे भी हम ऐसे ही बेल्ट लगा लेंगे। ये सिलाई वाला हिस्सा ऐसा रख के सेकेंड पार्ट को भी, ये फर्स्ट पार्ट हमारा इस तरह से बन गया है। अब हम इसी तरह से सेकेंड पार्ट भी तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने ये कपड़ा रखा है, ये रखा है, इसके ऊपर हम ये रख के आर्म आर्म के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और पहले वाले पार्ट के इस तरह यह बेल्ट लगा है तो इसी को हम उल्टे साइड इस तरह से लेके यहाँ पर रख कर इधर सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह गोलाई में शेप देके हम पूरा यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। दोनों बेल्टों को हम ऐसा रख के कर देंगे। अब यह हमारा यह इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके ऊपर में पूरे पे ये इधर से यहाँ और यहाँ दोनों साइड सिलाई लगा लूंगी। अब इसे उल्टा करके यहाँ से यहाँ पर पूरी सिलाई लगा लेंगे और नीचे के घेर को हम ओट लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है, यह हमारा। अब हम फिल बनाएंगे। जो 4 इंची फिल थी छोटी वाली उसे हम दोनों साइड से इस तरह बारीक बारीक ओट लेंगे और जो ये बड़ी वाली फिल थी इसे हम एक साइड से ओटेंगे। बिल्कुल बारीक, आप चाहे तो पीको भी करवा सकते हैं। ये हमने दोनों तरफ से इस तरह से ओट लिया है। अब हम इस धीरे धीरे इसे बारीक बारीक इस तरह से फिल दे देंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा कपड़ा स्टार्टिंग में हम छोड़ देंगे। इसे बराबर रख करके फिल देनी है। हम दोनों में ही ऐसा करेंगे। ये हमारी फिल बनके तैयार है। ये दोनों फिल मैंने तैयार कर ली है। अब हम इस फिल को यहाँ पर इस टाइप से रखकर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर इसका मार्क कर लूंगी, ऊपर वाली फिल के लिए इस तरह से मार्क कर लूंगी। दोनों साइड हम मार्क कर लेंगे।
ये ऊपर वाली फिल हम राउंड शेप में लगा देंगे। यहाँ से स्टार्ट करके हम ऐसे घुमा के पूरी इसमें लगा देंगे और नीचे वाली फिल इससे हम आधा इंच ऊपर रखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। पूरी सिलाई लगा देंगे। ये हमारी बेबी फ्रॉक बनके तैयार है। अब हम कैफ्री बनाएंगे। कैफ्री बनाने के लिए हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमें इस साइड से ओपन कर देंगे और हम यहाँ से भी सिलाई लगाकर नीचे यहाँ से सिलाई लगाकर हम नीचे स्टेच से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा करके एक सिलाई यहाँ पे सामने की साइड लगा लेंगे। मेरी कोई बात समझ में नहीं आती है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। प्लास्टिक को मैं इस प्रकार लगाऊंगी। यहाँ पर हम इसे फिक्स कर लेंगे राउंड शेप में लेके इस तरह से सील लेंगे। वन फोल्ड करके और इस तरह से रख के हम सिलाई लगा लेंगे। यह बेबी ड्रेस बनके हमारी तैयार है। यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।